बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। गोवंशों की मौत पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पिछले 6 महीने में 70 गोवंशों की मौत हुई है जिले में और गौशाला में मरणासन्न हालत में गोवंश मिले हैं। गोवंशों की मौत पर हिंदू संगठन नाराज हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह गौशाला बनी है जहां पर मरणासन्न मिले हैं गोवंश और पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो 70 गोवंशों की मौत हो चुकी है। प्रशासन में हड़कंप है लगातार। सीएम योगी भी सख्त निर्देश दे रहे हैं गो संरक्षण को लेकर और जो लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो गायों की मौत हुई है उसको लेकर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद उन्नाव में अब मरणासन्न हालत में मिले हैं गोवंश, जिसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, एक और जहां सीएम योगी लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं कई जिलों में गायों की मौत पर, अब उन्नाव में भी मरणासन्न हालत में मिल रहे हैं गोवंश। जी दुर्गेश, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों को लेकर लाख चिंता की है, उसके बाद जिलाधिकारी को सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, उसके बावजूद भी उन्नाव में जिस तरह से 6 महीनों में 70 गौवंशों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और हमारी टीम जब रियलिटी चेक करने गौशाला पहुंची तो वहां पर जो जानकारी निकल के तथ्य सामने आया, वहां पर 6 महीनों में 70 गौवंशों की मौत हो चुकी है। हालांकि पूरे मामले में जो वहां पर कर्मचारी मौजूद थे उसने इस मामले की घटना की पुष्टि कर दी। हालांकि उसके बाद जो वहां पर हमने स्थिति देखी, वहां पर गौशाले के अंदर जो गाय अन्ना मवेशी जो गौवंश हैं वहां पर बाकायदा तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो हकीकत सामने आई, उस कर्मचारी से बात करने की कोशिश की, उसने मामला ये खबर सामने निकल के आया कि पूरे मामले में उसने जिलाधिकारी से लेकर पूरे प्रशासन को जानकारी दी, लेकिन कोई भी प्रशासन गौशाला नहीं पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पर लखनऊ कानपुर हाईवे पर साक्षी महाराज के आवास के ठीक सामने जो गौशाला बना हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गौवंशों को मौत का मामला है, ये कहीं ना कहीं बेशर्मी पर उतारू हो रहा है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो गौवंश मर जाते हैं, उनको जो गौशाला के कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, वही गौवंशों को जो कुत्ते हैं वो नोचते हैं। कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें सिस्टम को सवाल खड़े करती है। जी दुर्गेश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विपिन। एक और साक्षी महाराज के आवास के सामने एक गौशाला है, दूसरी ओर सीएम योगी की सरकार है और लगातार आदेश भी दिए जा रहे हैं, फिर भी अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। बदहाली के कगार पर है गौशाला और गौवंश वहां पर मरणासन्न हालत में मिले हैं।